वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ता है जब हमें लगता है कि इतने लाख लोगों ने वीडियोस देखे हैं। इसका मतलब जो संदेश है, जो मैसेज है, वो पहुंच रहा है, और ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, वो जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, कल हमने ये डिस्कस करा था कि मोदी जी के खिलाफ बीबीसी ने बनाई थी डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दी, मोदी ऐसा मोदी वैसा ये सब। और हमने कल डिस्कस करा था कि जो ऋषि सुनाक हैं, उन्होंने इमरान हुसैन, जो पाकिस्तान ओरिजिन का एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पाकिस्तान ओरिजिन, उसको करना वही है, वही काम उसको करना ही है। मैंने कल भी बोला ना, ये जब लाहौरी चूरन तेजी से खून में दौड़ता है, फिर आदमी का दिमाग जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं चलता। इमरान हुसैन ब्रिटेन में पैदा हुआ है, ब्रिटेन में ही पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी वफादारी कहाँ है? उधर पाकिस्तान। अगर वहीं से वफादार होना तो यहाँ पे आया क्यों भाई? नेतागिरी क्यों कर रहा है वहाँ पे आता? नहीं, खैर नहीं वे, ये किसी और दिन डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इमरान हुसैन को शटअप कॉल दे दिया ऋषि सुनाक जी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं यूके के। खैर, वो मामला वहीं रफा दफा हुआ। अब एक लॉर्ड रमी रैंगर हैं, जो कि सिख हैं और इज़ अ क्लीन शेवन सिख, और मैं उनको जानता हूँ, मैं उनसे मेरी बातें हो चुकी हैं और मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। इंडियन ओरिजिन के हैं और वो भी वहाँ पे, मतलब ही इज़ लॉर्ड रमी रैंगर, तो वो वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है। वो उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। कह रहे कि क्यों है ये, अभी क्यों? अगर आप आज से कई दशकों पहले, मतलब कितना कितना टाइम हो गया, 2022 साल हो गया था ये जो गुजरात के राइट्स हुए थे, बीबीसी तो तब भी था। ओ भाई, बीबीसी तो 100 साल से है, पता नहीं जब से 70-80 साल से, कब से बीबीसी, बीबीसी ने अभी क्यों बनाया ये सवाल? तो अभी बना के जनवरी में क्यों? इनकी ये थ्योरी है और मैं इनसे बिल्कुल 100% अग्री करता हूँ, लॉर्ड रमी रैंगर से। इन्होंने ये बोला है कि क्योंकि G20 भारत जो है, क्योंकि G20 को हेड कर रहा है इस वक्त, इसीलिए भारत के ऊपर कीचड़ उठा लो, उसके प्रधानमंत्री के ऊपर कीचड़ उठा लो। पिछले साल क्यों नहीं करा डॉक्यूमेंट्री? उसके 5 साल पहले क्यों नहीं करी? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये तो आर्काइवल फुटेज है, ये वो उसको ट्विस्ट करके घुमा दे। इस डॉक्यूमेंट्री में, राइट, इस डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने इस तरीके से चीज प्रेजेंट करी है कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग दिखाई है या कुछ दिखाया है या किसी का बयान दिखाया है या कोर्ट में क्या हुआ है ये दिखाया है, उन्होंने ये सब दिखाया है। और आप अगर गुजरात में जो हुआ, लोग मारे गए, इसका बिल्कुल सभी को अफसोस है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बारे में बैकग्राउंड नहीं जानते हो कि कौन उसका रिस्पॉन्सिबल था, तो आप इस डॉक्यूमेंट्री के झांसे में आ जाएंगे, 100% इसके झांसे में आ जाएंगे, क्योंकि इतनी प्रोपागेंडा की खूबसूरती ये होती है कि आपको लगता है सच बोल रहा है। प्रोपेगेंडा क्या होता है? आप झूठ बोलेंगे, दैट इज नॉट प्रोपेगेंडा, वो तो झूठ झूठ होता है। प्रोपेगेंडा ये होता है कि बिल्कुल एक झूठ को लेकर, ठीक है, झूठ क्या है कि हमें मोदी जी की छवि पे कीचड़ उछालना है, ये आपने डिसीजन करा, फिर आपने फंडिंग ली लोगों से, और फिर आपने गोल गोल जैसे मिठाई के ऊपर वर्क लगाते हैं ना, फिर आपने वर्क लगाना शुरू करी झूठ की, धीरे धीरे पतली 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 पतली, कि आपको लगे यार ये तो सच ही बोल रहा है, यार ये तो सच ही बोल रहा है, और आप उसको देखेंगे, आपको लगेगा ये बंदा सच बोल रहा है। सही बात यह है कि सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, और लॉर्ड रवि रैंगर ने बोला है कि क्यों करा गया ये इसलिए करा गया क्योंकि SCO यानी कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और सबसे बड़ी बात, मोर इंपॉर्टेंटली, G20 इंडिया में होने वाला है, तो भारत की छवि खराब करो। तो ये सब लोग करते हैं, ये एजेंसीज करती हैं, इसको पैसा देके। मेरी सिर्फ शिकायत है कि हम लोग क्यों नहीं करते, हमारे पास तो ज्यादा पैसा है भाई। इतनी अच्छी चीज, जो इमरान हुसैन है जो हमला कर रहा है वहां पे, इमरान हुसैन का जो असली में मुल्क है पाकिस्तान, भारत को क्या करना चाहिए? मैं तो ये, जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, आई थिंक अनुराग ठाकुर साहब देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी मिनिस्टर साहब देख रहे हैं,
मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप पैसा दीजिए ना, कितना पैसा लगता है, 8-10 करोड़ रुपए सैंक्शन करिए, 15-20-25 करोड़ पैसे की आपके पास कमी नहीं है, सैंक्शन करिए, बांग्लादेश के साथ टाई अप करिए और एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाइए, जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री उस पर बनी नहीं, और वो बोलिए कि बीबीसी को तुम ये भी दिखाओ, और बीबीसी नहीं दिखाएगा, कोई और दिखाएगा। ये डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पर भी डालिए, आप नेटफ्लिक्स पर भी डालिए, और इसमें होमदूर कमीशन रिपोर्ट आप यू नो इसको कोट करिए, होमदूर कमीशन रिपोर्ट को, और आप बोलिए कि 1971 में जो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख बंगालियों का कत्ल करा था, राइट, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, उनकी टेस्टमनीज हैं, उनकी टेस्टमनीज हैं, उनके ऊपर भारत को और अंग्रेज को लाइए, गोरे को गोरा कमेंट्री देगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ फंड करिए, बाहर से बुलाइए किसी अंग्रेज को, अंग्रेज जाएगा, बांग्लादेशी गवर्नमेंट से बात करिए, दिल बी मोर देन हैप्पी टू कोऑपरेट, दिल बी मोर देन हैप्पी टू कोऑपरेट। उनके पास तो पूरा डेटा पड़ा हुआ, पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है कि कहां कहां पे पाकिस्तानी फौज ने ये करा, कहां कहां पे पाकिस्तान ने क्या करा, उसको अच्छी तरीके से डिटेल करके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाइए और दुनिया के सामने लाइए। भाई जो पाकिस्तान कर रहा है बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा पे, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाइए। जब विंस्टन चर्चिल था, जिसके सिग्नेचर की वजह से बंगाल फैमिन में मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, लाखों दर लाखों लोग मर गए भूख से, एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैमिन, उसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, क्यों नहीं बनाते? देखिए दूसरों को बोलना इसने क्यों करा, इसने गलत करा, नहीं नहीं, यू हैव टू बी अग्रेसिव। आप भी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए और चलवाइए, आप वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म्स पर चलाइए, आप बनाइए डॉक्यूमेंट्री ब्रिटिश के फैमिन की, आप ये बनाइए कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या करा, आपको एक ऑलरेडी उसके ऊपर आपको एक एक जिसको कहते हैं सीड जो है ना, एक एक बीज उसका आपको मिलता है। तो डॉक्टर शशि थरूर की ऑक्सफोर्ड की स्पीच आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, दुनिया ने सुनी वो स्पीच, दैट्स एन आइकॉनिक स्पीच। उसको सीड बना के, उसको बैकग्राउंड बना के, उसको एक बीज किस्म का बना के आप एक पूरा पेड़ खड़ा कर सकते हैं। यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। हम क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता, आप हम क्यों कश्मीर के ऊपर बुक्स नहीं लिखते मुझे नहीं पता। भाई सबसे बड़ा रुपया ये बुजुर्ग कह गए हैं, आप पैसा फेंकिए, गोरों को बुलाइए कश्मीर में, बोलिए किताब लिखो, लिखेगा, कितना पैसा चाहिए उसको, उसको पैसा कितना चाहिए, $50,000, $100,000, $1,000,000, कितना चाहिए? पैसा फेंको उसके मुंह पे, मारो पैसा, गोरे से बोले किताब लिखेगा, 10 बार किताब लिखेगा। देखो दुनिया और खेल पूरा दोस्तों नैरेटिव का है, जिसकी कहानी चल गई उसकी कहानी चल गई। अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे ना कि सच हमने बोला है इसलिए हमें उसकी, जिसको कहते हैं कि हमें सच बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सच को किसी चीज़ की जरूरत, ये सब पुरानी दखियानूसी बात है, ठीक है। आपको सच भी प्रोपोगेट करना है, आपको सच की भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। आजकल का ज़माना सोशल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का ज़माना है, ऐसे ही चलता है, आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये हमें करना चाहिए, और लॉर्ड रमी रेंगर को मैं थैंक यू तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि सर आपको एक बहुत बड़ा सलूट। अच्छा दोस्तों, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के बाद अब हम आते हैं हीना रबानी खर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, नंबर 2 है ये बिलावल की, राइट। इसने बोला पाकिस्तान डजंट सी अ पार्टनर इन पीएम मोदी। हीना रबानी खर ये कहती है कि पाकिस्तान को नहीं लगता कि पीएम मोदी के साथ हम पार्टनरशिप करते, वी डोंट सी अ पार्टनर इन पीएम। पीएम मोदी का खाना नहीं खाएंगे शाम को, मैं बता रहा हूं, मोदी जी 2-3 दिन तक भूखे पैसे रह जाएंगे, इतना दिल टूट जाएगा मोदी जी का। उस कन्या ने जो बात बोल दी, मैडम आपसे पार्टनरशिप आप लोगों से करना कौन चाह रहा है, मतलब ये कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग, कौन सी अहमकों की जन्नत में रहते हैं आप लोग, आपके सवालों को कोई जवाब देने वाला नहीं है, नोबडी टेक्स यू सीरियसली, आपका नाम कोई लेने वाला नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं हीना रबानी खर साहिबा, मैं आपको एक बड़े रिस्पेक्टफुली चीज बताता हूँ, मोदी जी का वीडियो बड़ा वायरल हुआ ना, जिसमें मोदी जी ने बोला कि मैंने मजबूर कर दिया कटोरा लेके दुनिया भर में घूमना। मोदी जी ने एक और काम करा है जो उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान जो एक लफ्ज है ना उसको गाली बना दिया दुनिया में, पाकिस्तान लफ्ज को पूरी दुनिया में मोदी जी ने और डॉक्टर जयशंकर ने गाली बना दिया, कौन सी दुनिया में रहते हैं, वी कैनॉट पार्टनर विद दिस। आप लोग ऐसा बोल भी कैसे लेते हैं,
कैसे बात भी कैसे कर लेता है, मतलब कोई भी सोचेगा यार कि मतलब अफीम अफीम खा रखी है इन लोगों ने, बिल्कुल जो सच्चाई है जो हकीकत है उससे बिल्कुल परे अजीब गरीब डायलॉग, जैसे कि मोदी जी यहाँ पे बिल्कुल खाना पीना बंद करके बिल्कुल गला ही सूख रहा है उनको, कह रहे यार पाकिस्तान से कॉल नहीं आया, मैं भारत चलाऊंगा कैसे। और ये पाकिस्तानी में एक बड़ा बहुत अजीब सा कीड़ा है, उनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान इक्वल है, उनको ऐसा लगता है कि अगर भारत के साथ ट्रेड करेंगे, भारत के साथ व्यापार करेंगे तो इसमें भारत का भी फायदा है, अगर भारत के साथ सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी पाकिस्तान की तो उसमें भारत का भी फायदा है। कोई पाकिस्तानी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तानी कोई भी भाई बहन कमेंट में जरूर लिखे और बताए कि भारत का किस तरीके से फायदा है। जब आपके पड़ोसी का घर झगड़ा हो तो आप अपने घर महफूज नहीं रहते, लाहौरी चूरन मत खिलाओ यार, प्लीज डोंट सेल लाहौरी चूरन हियर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो आपके घर में आग लगी वो भी आपने खुद ही लगाई है, और हमें अपना घर किस तरीके से महफूज रखना है हमें पूरा आइडिया है इसका। और एक और बात मैं कह दूं, जब आप लोग ताकतवर थे, जब आपके पास पैसे थे, राइट, जब दुनिया को खासतौर से अमेरिका को आपकी जरूरत थी, आपने कितनी बार भारत पे पेट्रोल छिड़का है, कितनी बार तीली लगाई है, कितनी बार आग लगाई है भारत में, कश्मीर में हजारों दर हजारों मारे गए, पंजाब में खालिस्तान का झूठ बोल के आप लोगों ने वहां पे, मैं इनके जो गुनाह है ना उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि ये कभी जिसको कहते हैं ना काबिले माफी नहीं है, हो ही नहीं सकता, इनकी इनको माफी है ही नहीं, इनको ना इस जन्म में माफी है ना ऊपर जाके माफी है, इनको माफी है ही नहीं पाकिस्तान को। ओ भाई मैं तो सिर्फ एक बात ही कहता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है, और आप ये इक्विवेलेंस क्यों करते हैं पाकिस्तानी कि जी हम भी अगर भारत के साथ ठीक हो गया तो भारत का भी तो फायदा है। ये सारे के सारे लाहौरी बैठ के शाम को टेलीविजन पे यही ज्ञान बांटते हैं अपने लोगों को कि भारत ये बात क्यों नहीं समझ रहा, कि भारत को भारत नहीं समझ रहा बात, हम दुनिया को समझाते हैं बेटा तुम हमें क्या समझा रहे हो, हम दुनिया को समझा रहे हैं और दुनिया हमारी बात समझ रही है, वाकई मीडिया समझा रहा है, ठीक है झूठ मत बोलो कि भारत को कोई फायदा नहीं है, ना भारत को नुकसान है ना भारत को फायदा, भारत खुश है, आप अपने घर में खुश रहिए, हम अपने घर में खुश हैं, आपको जो करना है आप करो, ठीक है, हम इस चीज में पड़ ही नहीं रहे कि पाकिस्तान यू नो पाकिस्तान इज वांटिंग टू टॉक टू अस, हम इस चक्कर में पड़ी नहीं, हम तो आपका नाम लेना ठीक नहीं समझते, फिर आप लोग ऐसे कमेंट क्यों देते हैं। अभी अफगानों ने जलील करा था आपको कि हमारे नाम पे पैसा मत मांगो, भिखारियों ओ भिखारी हमारे नाम पे पैसा मत मांगो, ये तो तालिबान ने बोला आज है। क्या हुआ है कि तुम हमारे नाम पे भीख मांगना बंद करो यार, हम खुद हम भूखे रह जाएंगे, तालिबान कहता है हम भूखे रह जाएंगे, तुम हमारे लिए भीख मत मांगो क्योंकि हम भीख का खाना नहीं चाहते। वो पाकिस्तानी कहते हैं यार हम तुम्हारे लिए भीख नहीं मांगते, वो मांग जाती है यार, आदत है हमारी, कोई हाथ मिलाता है तो हम पहले हमारा हाथ ऐसे जाता है, कोई हाथ मिला रहा है इनसे तो इनका हाथ ऐसे जा रहा है, अचानक इनका हाथ ऐसे हो जाता है पाकिस्तानी, वो हाथ है ही ऐसा, उनका कुछ अलग जुड़ा है कि ऐसे हाथ मिलाने जाएंगे जैसे ही आएगा सामने ये ऐसे कर देते हैं, दूसरा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं तो हाथ मिला रहा था, मांगने लग ये मांगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज, टर्किश पार्लियामेंटेरियंस अग्री टू फॉर्म कश्मीर कमेटी, तो ये जियो टीवी की न्यूज है भाई, जियो टीवी बड़ा खुश है कि तुर्की के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो एक कश्मीर कमेटी बनाएंगे। अच्छा मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ यार तुम लोग पता नहीं ये लाहौरी चूरन खाना बंद करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी सेहत के लिए खराब है, तुम लोगों ने भी तो कश्मीर कमेटी बनाई थी जिसका मौलाना फजलुर रहमान चेयरमैन था, ये देखो मौलाना फजलुर रहमान 150 किलो का होगा कम से कम, शक्ल देखो मौलाना की, हाँ बिल्कुल ऐसा मौलाना बन रखा है कि फिट हो रखा है बिल्कुल, ठीक। ये इसलिए खुश हो रहे हैं कि तुर्की ने कश्मीर कमेटी, तुम्हारी कश्मीर कमेटी का क्या हुआ भाई, तुमने भी तो बनाई थी कश्मीर कमेटी इतने सालों से, अभी भी चल रही है, क्या हुआ उसका, ये सब पैसे वैसे खा गए पता है, इनको कश्मीर कमेटी के फंड की निहारी और बिरयानी और कोरमा मंगा के खा जाते हैं और खुद अपने बच्चों को भेज देते हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह चार नारे लगाए कहानी खत्म। अब ये तुर्की को तो दर्द है, ओ भाई आर्मेनिया को वेपन सप्लाई हो रहे हैं, तुर्की को दर्द है, अगले स्टेप पे भारत क्या करेगा, अगले स्टेप पे भारत ये करेगा भाइयों और बहनों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, कि जो कुर्द है ना, वी आर इन टच विद द कुर्द, कुर्दों के साथ हम लोग टच में, तुर्की का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, बहुत उछल रहा है, ऑटोमन एम्पायर तुर्की क्रिएट करना चाहता है, ऑटोमन एम्पायर, जिहाद फी सबीलिल्लाह, इनका जिहाद नाक मुंह गुर्दे कलेजी से निकाल देंगे, इनको पता लग जाएगा कितना महंगा, अभी ये मैं बता रहा हूँ आपको, अभी इनका मोदी से पल्ला नहीं पड़ा,
वो आदमी ऐसा है कि हलक में हाथ डाल के पेट से जान निकाल देगा तुम्हारे। अभी तुम देखना अभी क्या होने वाला है। तो तुर्की तुम भी करते रहो, तुम भी कश्मीर कमेटी बनाओ, तुम देखना। और पाकिस्तानियों मैं बता रहा हूँ, जो तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो बेटा। मैं बता रहा हूँ तुम लोग बहुत गलत रास्ते पर चल रहे हो। अभी तुम्हारी सब्जी और महंगी हो जाएगी। मोदी जी को पता लग गया ना तुमने ये सब करा है, और पता लग ही जाएगा उनको, पता लग गया होगा, तुम्हारी सब्जियाँ महंगी हो जाएंगी, तुम्हारे 10 चीज़ें और हो जाएंगी जो तुम्हारे और वो टेम्परेचर वो चूड़ियाँ कस रहे हैं तुम्हारी धीरे धीरे। मोदी जी तुम्हारी चूड़ियाँ कस रहे हैं और तुम्हारी चीखें निकल रही हैं। अभी तो और चीखें निकलेंगी, आंसू निकलेंगे, और कहाँ कहाँ से आंसू निकलेंगे तुम देखना। ठीक है, अब एक और खबर है, शिपिंग लाइंस में स्टॉप पाकिस्तान ऑपरेशंस वॉर्न्स PSAA। अब ये PSAA क्या है दोस्तों, ये भी समझ लीजिए आप। ये डॉन न्यूज की खबर, ये खबर है डॉन न्यूज की, और पाकिस्तान शिप्स एजेंट्स एसोसिएशन, ठीक है, इसका चेयरमैन है अब्दुल रऊफ। इसने फाइनेंस मिनिस्टर इशाक दर, जो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको उसने लिखा है, इफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टॉप द इकोनॉमिक सिचुएशन विल वर्सन। PSAA के चेयरमैन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर जमील अहमद को भी चिट्ठी लिखी है, कॉमर्स मिनिस्टर सैयद नवीद नामर को भी चिट्ठी लिखी है, और मैरिटाइम अफेयर्स मिनिस्टर फैजल सब्जवारी को भी चिट्ठी लिखी है। अब ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंसेस ऑफ सरप्लस फ्रेट अमाउंट्स टू रिस्पेक्टिव फॉरेन शिपिंग लाइंस वाज हैम्परिंग पाकिस्तान सीबॉर्न ट्रेड व्हिच इज हेविली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन शिपिंग लाइंस। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान का एनुअल जो फ्रेट बिल है ये करीब 5 अरब का है जो शिपिंग लाइंस को देना पड़ता है। ठीक है, 5 अरब, 5 अरब डॉलर। पाकिस्तान के पास तो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 5 अरब डॉलर नहीं है, अब तो 3 हो गए, उनके पास तो 4.5 है, और यहाँ पे सिर्फ 5 सिर्फ शिपिंग लाइंस को देने हैं, क्योंकि पाकिस्तान बाहर से सब कुछ इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि उसमें भी कमीशन इनको खाना है, जबकि इनका मुल्क बना सकता है लेकिन इनको इंपोर्ट करना है। तो इन लोगों ने बोल दिया है कि भैया जो जहाज वाज वालों को तुम पैसा वैसा दो, तुम पैसा सबका दबा के, ये यार ये बात कर रहे हैं 5 अरब डॉलर की। मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने वो 35-40 मिलियन डॉलर गूगल को नहीं दिए यार पाकिस्तानियों ने, कि जो पेड ऐप्स हैं वो तुम लोग डाउनलोड करके उसका पैसा नहीं दे रहे तुम। इनकी सब्जियां पड़ी हैं, सब्जियां सड़ गई इनकी यार, 5.5-6 हज़ार कंटेनर कराची पोर्ट पर पड़े, उसका पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैंने बोला ना मोदी निकाल लेगा अलग से कश्मीर तुम्हारे, और जो जिन है ना तुम्हारे, जो लाहौरी चूरन जो खून में तुम्हारे बह रहा है, वो जिन धीरे धीरे बीन बजा के वो जिन निकलेगा जैसे सांप निकलता है। तुम देख लेना अभी क्या हो रहा है। तुम्हें मेरी बात लग रही होगी अजीबोगरीब, लेकिन आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, ये हो रहा है तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये करा धराया है, समबडी हैज डन इट, ये नेचुरली नहीं हुआ है। अच्छा, इमरान खान भी ये कहता ना, इमरान खान भी झूठ बोलता है यार कि इस सरकार ने ऐसा। ओ नहीं खान साहब, आप समझ लो आपको भी जीरो नॉलेज है क्रिकेट के अलावा, आपको तो कुछ पता नहीं है कुछ क्या करना है, पर थोड़ी बहुत 420 कर ली, घड़ी वड़ी बेच ली, आपको भी इतनी नॉलेज नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, पाकिस्तान का मिसमैनेजमेंट 1947 से चल रहा है, तो जो आज खाने के वादे हैं ना वहाँ पे कि आटा नहीं मिल रहा, सब्जियाँ नहीं मिल रही, ठीक है, ये क्या है चक्कर, मैं आपको बताता हूँ क्या है चक्कर। ये चक्कर ये है कि आपको क्या लगता है, अप्रैल में आपकी सरकार गिरी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, आपको लगता है 9 महीने में, उसके पहले वहां पे शहद और दूध की नदियां बह रही थी पाकिस्तान में? आप भूल गए जो मीम्स आपके नाम के बनते थे, आपने घबराना नहीं है, और सड़क पे लोग आपको गालियां देते थे इमरान खान, वो तो आपने बैरूनी मुल्क की साजिश हो गई और ये हो गया, ये ड्रामा बेच दिया आपने, अपना लाहौरी चूरन बेचा, जितने भी लाहौर वाले थे वो खुश हो गए चूरन खा के, आपके आगे पीछे नाचने लगे, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं आप लोग, नॉलेज है नहीं, इल्म जीरो है। इसमें असली बात यह है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पिछले 8-10 महीने से नहीं चल रहा है, 1947 से चल रहा है। 1947 से आप लोग खैरातों पे जी रहे हो, पहले अमेरिका ने आपको पैसे दिए, फिर इसने दिए, फिर उसने दिए, जिस दिन सऊदी से तेल निकला अगले दिन आप लोग कटोरा लेके सऊदी पहुंच गए। ये बोरोड ग्रोथ है, इसको बोरोड ग्रोथ कहते हैं, आपकी टोटल जो ग्रोथ है आज तक दैट इज ऑल बोरोड। आपका जो भी कहते हो ना कि मुशर्रफ के टाइम पे इकोनॉमी अच्छी थी, अरे पैसे आ रहे थे बाहर से, आपको डॉलर दे रहा था अमरीका, क्योंकि आप लोग अफगानिस्तान में आपने हल्ला कर रखा था, दैट इज वाई आपको पैसे मिल रहे थे। वो आपने भाई, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, आपने बनाई कौन सी चीज है जो बड़ी बाहर दिख रही है, आप बताओ ना। कोई भी नहीं साहब, पाकिस्तान में टेलीविजन ऐसे बनते हैं साहब जो दुनिया पागल हो जाती है वो टेलीविजन, तो वी नीड अ पाकिस्तानी टेलीविजन, है ना, बताओ
किस तरीके से होता है बताओ ना हमें, हमें भी थोड़ा समझाओ कि साहब इस तरीके से, इस तरीके से ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया, दुनिया हिल गई, और पाकिस्तान अगर वो एक्सपोर्ट रोक देगा तो दुनिया की बिल्कुल आंख से आंसू निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, भीख के पैसे, एड के पैसे, हमारा मुल्क 75 साल वैसे ही पला बड़ा है, आज तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। खैर एनीवे, ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सब तुम्हारा रुकने वाला है मामला दोस्तों। अगला पॉइंट ये है कि श्रीलंका का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका नाम है अली साबरी। अली साबरी ने डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मीटिंग करी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक करा है, और ये बोला है कि जो हमारा क्राइसिस पूरा श्रीलंका में, उसमें भारत ने बहुत बहुत मदद करी है, और प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, नो एग्जैजरेशन टू से दैट ड्यू टू इनॉर्मस सपोर्ट फ्रॉम इंडिया अमाउंटिंग टू US$4 billion वर्थ ऑफ क्रेडिट लाइन फॉर इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल्स, वी वर एबल टू रिगेन सम मेजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आई कन्वे अ प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड टू पीएम मोदी। ठीक है जी, $4 अरब की हेल्प करी है भारत ने श्रीलंका को, और ये अली साबरी साहब हैं, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं श्रीलंका के, उन्होंने बोला है कि अगर भारत नहीं होता तो हम नहीं उभर पाते। अब पाकिस्तान सोच रहा होगा यार भारत के साथ फालतू में लड़ाई करी, हमें पैसे नहीं देते, अगर हम तमीज से रहते, लेकिन वो दैट शिप हैज सेल्ड, अब तुम तमीज से भी रहोगे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, उम्मीद मत रखना कुछ। डावोस 2023, ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फाउंडर एंड चेयरमैन क्लाउस श्वाब सेड ऑन फ्राइडे दैट इंडिया रिमेन्स अ ब्राइट स्पॉट अमिड जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिकल क्राइसिस। द फोरम ऑल्सो सेड दैट इट लुक्स फॉरवर्ड टू कंटिन्यूइंग इट्स पार्टनरशिप विद इंडिया ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी। आई हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग द इंडियन मिनिस्टीरियल डेलीगेशन एंड मेनी ऑफ इट्स टॉप बिजनेस लीडर्स। आई कमेंड द कंट्रीज डिसाइसिव एक्शन ऑन द क्लाइमेट केस फॉर रिन्यूएबल्स, its contribution to the global healthcare ecosystem, the focus on an economic model for women-led development, and its leadership on digital public infrastructure. India remains a bright spot amid global geo-economics and geopolitical crisis. ये श्वाब ने बोला है, ये खुली खुली तारीफ बोली, तारीफ करी और बोला है कि भाई सब कुछ डूब रहा है, सब कुछ जिस पूरे वर्ल्ड में बुरा दिख रहा है वहां पर इंडिया रिमेन्स वन ब्राइट स्पॉट जहां से हमें उम्मीद की किरण आती है। और वहां पे पाकिस्तानी कह रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये इतना ही दिमाग है इनका, ये कश्मीर के आगे सोच ही नहीं सकते, चाहे इनके खुद के मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। देखो अगली खबर भी डावोस से है, और अश्विनी वैष्णव जो हैं, जो मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि इंडियाज डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस, जो डिजिटली ट्रांजैक्ट करता है इंडिया, जैसे आप लोग करते हैं ना कि कोई भीम ऐप पे करता है, कोई UPI, कोई ATM वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग ऐप यूज करते हैं, इंडियाज डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस मोर देन US, UK, जर्मनी एंड फ्रांस, इन सबको मिला दो, US, UK, जर्मनी और फ्रांस, इन सबको मिला दो, इससे ज्यादा अकेले भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी। और मैंने कहीं पढ़ा था, मैं आर्टिकल मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत जल्दी भारत में जैसे आपने डिजी यात्रा, आपने ऐप देखा होगा कि अब आप जाके डिजी यात्रा, सिर्फ आपका, आपको टिकट दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको आइडेंटिफिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डिजी यात्रा का वो जो एक होता है वो कंसोल टाइप का है, एयरपोर्ट पे जाइए, कुछ 5-6 एयरपोर्ट्स में खुल गया है वो, और भी पूरे एयरपोर्ट्स में होगा, वहाँ पे सिर्फ आप अपना शक्ल दिखाइए और आप थ्रू, आपको ना टिकट दिखाना है एयरपोर्ट पे, ना कुछ दिखाना है। अभी यही धीरे धीरे आपका रेलवे स्टेशन पे होगा, बस स्टैंड पे होगा, ये अभी वो मॉडल चल रहा है। और इस तरीके से करते करते लोग ये भी कह रहे हैं कि यार बहुत जल्दी भारत में ना आपको कैश और क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, आपको कैसे? आगे चल के कैश, मतलब आज के नहीं 5-10 साल की बात कर रहा हूँ, आप कैश और क्रेडिट कार्ड जिस तरीके से हम लोग देते हैं ना, डेबिट कार्ड होता है, उसकी जरूरत नहीं है ATM आपको अगर वो करना है, अगर आपको कुछ भी पेमेंट बाय करना है तो बायोमेट्रिक से आपका सारा ट्रांजेक्शन 100% सेफ आपका हो सकता है। तो ये एक बहुत जबरदस्त बात है। बाकी मेरे पास और भी खबर है, पाकिस्तान फिर बोल रहा है कि हम तेल लेंगे रशिया से, और फिर पाकिस्तान ने एक और शगुफा छोड़ा हवा में, एक और लाहौरी चूरन हवा में फेंका है कि फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में हम रशिया को पेमेंट करेंगे, रशियन ऑफिशियल ने बोला है, पाकिस्तानी खुश हो गए। अच्छा, ये कौन सी फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में पे करेंगे, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, ये अकेला मुल्क होगा। अरे भाई, आप डॉलर में नहीं करेंगे तो आप चाइनीज करेंसी में करेंगे,
अगर उसमें नहीं करेंगे तो आप किसी और करेंसी में करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इससे फर्क क्या पड़ता है? पाकिस्तान ऐसा क्यों बोल रहा है? ये पाकिस्तान फिर झांसे में बस रहा है, खुद के बनाए हुए गड्ढे में गिर रहा है। आप ये कहिए ना, पाकिस्तान में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे रशिया में, हम पाकिस्तानी रुपीज में करेंगे। भारत भी तो ये करता है। आपकी खुद की करेंसी बिल्कुल जंग हो रखी है, बिल्कुल आपकी करेंसी की रिस्पेक्ट है नहीं, रिस्पेक्ट की पूरी होती नहीं है, लेकिन आपकी करेंसी की रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी करेंसी की रिस्पेक्ट नहीं है, फिर आप किस तरीके से कर सकते हो बताओ? आप सोच रहे हो कि क्या आप दिनार में जो शेखों का पैसा है उसमें दे दोगे? आप किसी और मुल्क की करेंसी में दोगे? दे सकते हो, ज़रूर दे सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। ये लोग क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तानियों के पास खुद तो है नहीं कुछ, तो पाकिस्तानी से ये जाके अरबों को ये बोलेंगे कि अच्छा तुम डॉलर मत दो हमें, तुम अपनी करेंसी दे दो। या चीन से बोलेंगे ठीक है तुम डॉलर मत दो, तुम चाइनीज़ करेंसी दे दो। वो उनको चाइनीज़ करेंसी दे देंगे, खुद के घर की बात है, चाइनीज़ करेंसी दे दी। ये चाइनीज़ करेंसी लेके ये लोग रशिया को दे देंगे। ये पाकिस्तान का ग्रैंड गेम है और ग्रैंड प्लान है। ये सोचो इतने बुरे हाल हैं, इतना बेड़ा गर्क हो गया उस मुल्क का। खैर दोस्तों, एनीवे आज की यही खबरें थी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाणक्य फोरम का जो ट्विटर हैंडल है, चाणक्य फोरम का जो इंस्टाग्राम का पेज है, जो फेसबुक का पेज है, और जो यूट्यूब हमारा चैनल है, वो तो आप सब्सक्राइब करते हैं। बाकी सबको भी आप सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। लिंक्डइन पे भी हम लोग हैं, आपको लेटेस्ट आर्टिकल्स हमारे मिलेंगे, तो वो आर्टिकल्स से आपको ये पता लगेगा एंड टॉप ऑफ द लाइन पीपल आर राइटिंग फॉर अस, द बेस्ट माइंड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड आर राइटिंग फॉर अस। तो आपको ये दिखेगा यार जो आर्टिकल्स की क्वालिटी है, वो नहीं है कि जर्नलिस्ट ने कुछ भी आज वो किसान आंदोलन के ऊपर लिख रहा है तो कल वो CA के ऊपर लिख रहा है और तीसरे दिन फौज के ऊपर जर्नलिस्ट का, तो यही है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे अगर फौज का टॉपिक है तो आर्मी के जनरल्स लिख रहे हैं, एयरफोर्स का टॉपिक है तो एयर मार्शल्स हैं, एयरफोर्स के जो सीनियर लोग हैं वो लिख रहे हैं, नेवी के एडमिरल्स तो उस लेवल के लोग लिख रहे हैं। और चाणक्य फोरम की खासियत है उन आर्टिकल्स की कि आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है, और वैसे ही एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है जैसे अगर आपको थिंक टैंक्स के पेपर मिले, उस क्वालिटी का एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिलता है। तो दोस्तों बस यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देर और इंतज़ार करिए और हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है विजय कुमार जी। विजय कुमार जी ये कहते हैं कि जैन मेजर, आई एम एन NRI एंड वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग अस NRI इज एन आयोटा ऑफ रिस्पेक्ट हु अदरवाइज आर लुक्ड अपॉन एज ब्रेन ड्रेन एंड इन एक्सट्रीम केसेस आई एम पेट्रियोटिक। विजय कुमार जी मैं एक बात बताऊँ, आप लोगों की बड़ी इज्जत है मेरे दिल में, NRIs हैं, बड़ी इज्जत इसलिए है बिकॉज मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपका सवाल तो भी लेता हूं, मुझे नहीं लगता कि NRIs आर अनपेट्रियोटिक, मुझे ये नहीं लगता कि ब्रेन ड्रेन है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कहीं बाहर अपने घर का सदस्य भेजते हैं किसी और के घर में अपने घर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जैसे अगर 5 भाई हैं तो यू ट्राई टू सेंड द बेस्ट पर्सन। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बेस्ट नहीं हैं या वो अच्छे नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, बस मैं कह रहा हूँ कि you all make India very proud and we all are extremely proud of our NRIs. We are extremely proud. ठीक है, आप जो पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ रखे हैं, अगर आप भारत में होते तो वो आप काम नहीं कर पाते जो आप भारत का रह के बाहर कर रहे हैं। एंड यू आर एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, आप सिर्फ NRIs नहीं हैं, आप ही नहीं कि वहाँ पर कोई जॉब कर रहे हैं, कोई कंपनी के मालिक हैं, टेक में काम कर रहे हैं, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। आई थिंक इंडिया हैज़ मिलियंस ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया जो ब्रांड है ना, आप उसके एम्बेसडर हैं। आपको देख के एक फॉरेनर है ना, वो अपना मन बनाता है कि अच्छा यार ये आदमी देखो कितना अच्छा है, कितना मेहनती है, एक फैमिली मैन है, अपने माँ बाप बीवी बच्चों की कितनी इज्जत करता है, इंडियन कल्चर इतना अच्छा है, तो इंडिया ऐसा ही होगा, एक 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 धारणा बन जाती है पूरे देश के बारे में, विश्वास। तो आप कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका यह सवाल है कि जब भी जैसे कोई जो मार्टर्स होते हैं हमारे, जो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, इनको कैसे हेल्प करें, ये आपका सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। देखिए मुझे भी कई लोग कहते हैं कि मेजर साहब हम आपको पैसा भेज देंगे या आप करके, देखिए ऐसा बिल्कुल मत करिए, इसका एक तरीका है, डोंट गिव मनी टू इंडिविजुअल्स। मैं हूँ, कोई भी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको किसी को एक रुपये, एक डॉलर, एक पाउंड, एक यूरो देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड यू कैन एफर्टलेसली कॉन्ट्रीब्यूट शुड यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाकी किसी इंडिविजुअल को बोल दिया कि तुम ये कर दो, इसकी ज़रूरत है नहीं, एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए, बहुत अच्छी, आई रिस्पेक्ट योर थाट्स, बट ओनली डू इट थ्रू
द जेन्युइन वेबसाइट, और आप जाइए इंटरनेट पे, आपको इंडियन आर्मी की जेन्युइन वेबसाइट मिल जाएगी जो ओरिजिनल, क्योंकि कई लोग क्या है फेक वेबसाइट्स बना के, ये भी एक धंधा आजकल शुरू हो गया है, कुछ बना दिया, ये कर दिया, हम ये कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग फंड्स फॉर दिस, आप प्लीज़ इसको इग्नोर करिए एंड गो टू द जेन्युइन वेबसाइट ऑफ इंडियन आर्मी, वहाँ पे इनके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से क्या कर सकते हैं वो करिए, एंड देन यू पे अमाउंट, सो दैट जो भी अमाउंट आपको पे करना है यू पे द अमाउंट देयर, सो इट गोज टू द जेन्युइन पीपल हु एक्चुअली मे नीड इट और व्हाटएवर द केस मे बी. दूसरा है मोबिद बाबा. मोबिद बाबा, हेलो सर, योर फैन फ्रॉम कनाडा, मोबिद बाबा जी. Hi. Thank you. What is the likelihood of rogue elements in the Pak military seizing nuclear assets? ये मैं पहले भी आंसर कर चुका हूँ. I don't think this is going to happen. You know, rogue assets, ये नहीं होगा ये. Rogue assets already पाकिस्तानी फौज के अंदर हैं. बाहर से कोई रोग एसेट नहीं आएगा, खुद ही रोग नहीं है. जब लाल मस्जिद पर अटैक हुआ था पाकिस्तान में, मुशर्रफ ने लाल मस्जिद के अंदर टेररिस्ट थे, उसने स्पेशल फोर्सेस भेज दी, उन्होंने बोला कि लाल मस्जिद पर अटैक करो, इस्लामाबाद के अंदर है लाल मस्जिद. जब मुशर्रफ ने अटैक करा तो मुशर्रफ के ऊपर उस बार वापस उसकी जान लेने के लिए हमला करा था, वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेज के सर्विंग पर्सनल थे, जिसने बोला कि खुद ही के आर्मी चीफ को उड़ा दो. आप समझ रहे मेरी बात? If people inside the Pakistani armed forces, I think वो air force के थे, Pakistani armed forces के लोग मिलके अपने खुद के army chief को जान से मारने की साजिश कर सकते हैं, और actually अंजाम, मतलब उन्होंने सब कुछ कर दिया था, वो मुशर्रफ बच गया, right? अच्छा. अगर वो कर सकते हैं तो आपको क्या लगता है कि radicalization नहीं है पाकिस्तान की armed forces के अंदर? वो कीड़ा अंदर है, वो लाहौरी चूरन अंदर बह रहा है इनकी रगों में. So they are highly radicalized, ठीक है, they support terrorists, they worship terrorists, they work like terrorists, इनकी हरकतें terrorists की हैं, तो बाहर से कौन terrorist आएगा, अंदर ही तो हैं इनके terrorists सबके साथ. सागर जादव जी का ये कहना, हेलो सर, आई एम अ PhD स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया, आई फॉलोड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम यू सर, यू वन ऑफ माई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे शब्दों के लिए सागर जी. I wanted to ask one possibility of a geopolitical move by US. Did the USA leave Afghanistan to open an unstable Islamic front in the backyard of China near Xinjiang province to trouble Chinese ambitions of taking over Taiwan? I don't think so. देखिए मुझे नहीं लगता कि चाइना ने इसलिए छोड़ दिया अफगानिस्तान क्योंकि चाइना के लिए प्रॉब्लम हो जाए Xinjiang province में. मैं जानता हूँ आप क्यों कह रहे हैं. आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाखान कॉरिडोर के थ्रू एक्चुअली चाइना एंड अफगानिस्तान आर नेबर्स. अगर आप वाखान कॉरिडोर को देखेंगे तो 350-360 किलोमीटर लंबी वाखान कॉरिडोर है, एक तरफ Xinjiang है, एक तरफ अफगानिस्तान है. मैं समझ रहा हूँ आप क्यों कह रहे हैं, लेकिन सागर जी मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबिलिटी है. अमरीका अफगानिस्तान से इसलिए गया क्योंकि अमेरिका को लग गया था कि अब यहाँ पर जितना भी हमारा खाना पकाना था हमने पका लिया है, नाउ आर फोकस शुड बी चाइना. टू मच मनी, टू मच एफर्ट, टू मच मैन पावर एंड टू मच ऑफ माइंड स्पेस इज बीइंग गिवन टू अफगानिस्तान. वी डोंट नीड इट, लेट नाउ दे आर फोकसिंग ऑन चाइना. और बीच में क्या हुआ, गलती से रशिया अटैक यूक्रेन, तो थोड़ा सा वहाँ पर वो लोग डाइवर्ट हो गए. नाउ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है फॉलन ऑफ अमेरिकाज रेडर. हो सकता है कल दोबारा इंटरेस्ट हो जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान में, इट्स हाईली पॉसिबल. बट ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि भाई उनके हक में बात, मतलब कह देना हक में नहीं, मतलब आप सपोर्ट कर देते हो थोड़ी भी जी. कैसे? एक एग्जांपल तो जिस तरह ये इमरान हुसैन ने, मैं बताता हूँ यार, सब्र कर, मैं बहुत टाइम है, हम सारा दिन है हमारे पास. नहीं सारा दिन नहीं, इस वीडियो नहीं, और भी बड़ी वीडियो. तो जिस तरह इमरान अब्बास का कहा, ठीक है चाहे उसने गलत कहा, इमरान हुसैन का चाहे. गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.